हिमाचल प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। इससे केवल उन कंपनियों को लाभ मिलेगा जिनके यहां कर्मचारियों के भाग धन का निवेश किया जा रहा है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता कुशल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद नियमित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जबकि मुख्यमंत्री ने एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को पूर्व में आश्वासन किया था कि इस विषय पर गंभीरता से गौर किया जाएगा, लेकिन इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से एनपीएस कर्मचारी हताश हैं। कुशल शर्मा ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों ने ये भी मांग रखी थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में दिए जाने वाले लाभ प्रदेश सरकार दे, लेकिन हिमाचल में ये लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। कुशल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों को आर्थिक माली हालत के कारण पुरानी पेंशन बहाल करने में असमर्थ है तो फिर मंत्री सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद करें। उन्होंने कहा, अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगी। सोलन के हॉस्पिटल रोड पर कुछ दिनों से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था और शहर के बीचों बीच अवैध रूप से अस्थायी दुकानें बनाई जा रही थी। पहले तो एक ही थी, लेकिन फिर एक के बाद एक दुकानें बननी आरंभ हो गई, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को दी। नगर परिषद ने तुरंत आज सुबह ही इन दुकानों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तोड़ दिया और सारा सामान भी जब्त कर लिया गया। अधिक जानकारी देते हुए बर्क सैनिटरी इंस्पेक्टर दीपराज हंस ने बताया कि शहर में किसी भी तरह से अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है हॉस्पिटल रोड पर यह कार्रवाई की गई और जिन लोगों ने भी अवैध अस्थायी दुकानें लगाई थी उन्हें तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी यह कार्रवाई भविष्य में भी यूं ही जारी रहेगी और किसी भी तरह का अतिक्रमण शहर में नहीं होने दिया जाएगा। उठा दिया गया है, अभी हमारे संज्ञान में अभी आया है, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे उठाया गया। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, इस तरह के अतिक्रमण शहर में नहीं होने देगी। सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए पुलिस चिट्टे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे भेज रही है। आज भी सोलन में दो युवाओं को अलग अलग स्थानों पर चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नशा तस्करी में 18 से 24 वर्ष के युवा शामिल है, जो खुद तो इस नशे की गिरफ्त में है और साथ में वे और युवाओं को भी इस दलदल में धकेल रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में चिट्टे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोलन पुलिस जल्द मास्टर प्लान तैयार करेगी ताकि युवाओं को इस नशे की दलदल में गिरने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि आज दोहरी द्वाल पर आनी के युवक विकास सागर से 10.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं एक युवक जतिन शर्मा गांव पथरागढ़ तहसील अर्की से भी 9.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इनके पास चिट्टे की खेप कहां से आई। की तरफ जा रहा था, पीछे हटकर भागने लगा, उसको जब अपने एम्प्लॉइज की मदद से काबू किया गया और उसके बैग की तलाशी ली गई तो इस व्यक्ति के पास भी 9 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुआ बैग में। इसको कब्जा में ले लिया गया है हेरोइन को, और इसने जो पूछने पे अपना नाम जतिन शर्मा बताया, जो कि दाला घाट का रहने वाला है, 19 साल इसकी एज है। इसको भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। मेरी लोगों से अपील है कि सोलन पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम है इसमें आगे आएं और इसको एक जो सामाजिक बुराई यहाँ पे फैल रही है सोसाइटी में, इसको दूर करने में आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी आप प्लीज़ पुलिस का
सहयोग करिए और जितनी भी आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको शेयर करिए।